राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो बस यहाँ पे सुबह की व्लॉगिंग हमने स्टार्ट कर दी है, कड़ी बना रहे हैं हम। आज है संडे, तारीख है आज 26 तारीख है आज। और बस देखिए, कड़ी को हमने ना मतलब मठे में घोलकर बेसन को चढ़ा दिया है, कस्तूरी मेथी डाल दी। तो बस कड़ी एक तरफ पक रही है, दूसरे चूल्हे पर एक तरफ हम बनाते थे हैं यहाँ पे पकौड़े। पकौड़े वाली कढ़ी बनाएंगे हम, क्योंकि बच्चों को हमारे को यही पसंद है ज़्यादा। छुट्टी के दिन बच्चों की छुट्टी तो चली रही है, संडे हो या मंडे, हर हर दिन तो छुट्टी है बच्चों की। तो बस रात को मैंने दही जमा के रखी हुई थी, फिर आज मैंने सुबह उठते ही, सुबह जगते ही फिर मैंने कढ़ी बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि कढ़ी को थोड़ा टाइम लगता है बनने में। तो बस कड़ी का थोड़ा सा मन भी कर रहा था, क्योंकि सब्ज़ी खाते खाते ना बोर हो जाते हैं कभी कभी। हरी हरी सब्जियाँ खाओ, दाल खाओ, तो कुछ अलग खाने का भी मन करता है। तो मैंने जो बेसन मैंने ये घोला है ना पकौड़े के लिए, थोड़ा सा पहले ही मतलब 20 मिनट पहले अगर घोल के रख दूँ ना, तो पकौड़े काफ़ी अच्छे बनते हैं, फूले फूले गोल गोल बनते हैं। तो यहाँ पर मैं फ्राई पैन में ही सेक लेती हूँ इनको, क्योंकि एक कढ़ाई में मैंने कढ़ी को पकने के लिए रख दिया है। पक गई है लगभग, थोड़ी सी कम गैस कर दी है, पकती रहेगी। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे पकोड़े छान लेती हूँ, पकोड़ों को भी निकाल लेती हूँ। तो इनको ना थोड़ा हल्का सा ठंडा करके डालूँगी कढ़ी में, पहले ही नहीं डालूँगी। तो ये ना जो मैंने लगाई हुई है लाइट, रोशनी ज़्यादा देती है, एक जगह ही देती है, ज़्यादा सारे में नहीं देती है। तो देखती हूँ आज इसको ना दूसरी जगह लगा के चेंज करके देखूँगी। इसका रोशनी वैसे एक ही जगह आता है, कोई कोई चीज़ तो दिखाई भी नहीं देती, जैसे कि मेरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा है, कटोरे में बेसन नहीं दिखाई दे रहा है। इसकी लाइटिंग पता नहीं किस तरीके की है। तो बस यहाँ पे मैंने एक बैच को सेक लिया था, दूसरे बैच को हम यहाँ पे अभी सेक रहे हैं। अभी मैंने कढ़ी में बस हल्दी, नमक और लाल मिर्चा नहीं डाला हुआ था, धनिया डाल दिया था, धनिया पाउडर। तो देखिए अभी खदक आ रहा है अभी कढ़ी में, अभी बन रही थी मेरी कढ़ी। कि कढ़ी को जब तक एक दो मतलब जाल ना आ जाए ना कढ़ी पे, ऊपर ऊपर हल्का सा पीलापन ना आ जाए, हल्का सा लाल लाल ना आ जाए ना, तब तक कढ़ी ना पकती नहीं है। तो बस अच्छे से कढ़ी को पका रही हूँ, ताकि कच्ची ना रहे कढ़ी, तभी टेस्टी बनती है। तो बस यहाँ पे पकोड़े भी यहाँ पे तल लिए हैं मैंने, और उसमें ना कढ़ी में कस्तूरी मेथी डालना ज़रूरी है, क्योंकि कस्तूरी मेथी का फ्लेवर तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और मेथी से क्या होता है, डालने से मेथी से मतलब कड़ी नुकसान नहीं करती है। तो बस देखिए यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया है, जीरे और जो लाल मिर्ची होती है ना उनका यहाँ पे तड़का लगा दिया है। तड़का लगाने के बाद अब मैं इसमें डाल देती हूँ लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि अभी मैंने डाला नहीं था। लाल मिर्ची पाउडर मैं हमेशा बाद में ही डाल देती हूँ, पहले नहीं डालती हूँ। तो बस यहाँ पे डाल देते हैं हम, यहाँ पे पकोड़े डालेंगे, उसके बाद डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर। यहाँ पे डाल देते हैं हम पकोड़े जो हमने बनाए थे, तो काफ़ी अच्छे पकोड़े बन गए थे, ऐसे गोल गोल बने थे, काफ़ी सुंदर लग रहे थे, कढ़ी भी काफ़ी टेस्टी बनी थी। तो बस बाद में थोड़ा सा डाला है, कढ़ी अगर थोड़ी सी गर्म होती ना तभी डाल दो तो ठीक रहता है, क्योंकि फिर पकौड़े ना हल्के से गल जाते हैं ना कढ़ी में, तभी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर डाल देते हैं हम एक चम्मच भर के लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि कढ़ी में लाल मिर्ची ज़्यादा अच्छी लगती है, हल्की सी तीखी कढ़ी होती है ना तभी अच्छी लगती है। तो बस कढ़ी तो हमारी बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है, इसके बाद हम रोटियाँ बना लेते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, रोटियाँ बनाने का मन भी नहीं करता है। तो बस यहाँ पर सारा मतलब रोटियाँ बना दी, उनको दे दी मैंने अपने हस्बैंड को, और बस बच्चों को जगाना है अभी। बच्चे अभी सो ही रहे हैं, क्योंकि रात भर लाइट ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, आ रही थी जा रही थी, और हम तो 12-1 बजे तक बस बच्चों की हवाई करते रहे थे बीज ना लेके। तो बस तीन गैस है ना हमारी, तीनों को अच्छी तरीके से साफ़ कर देते हैं अपनी गैस को, क्योंकि खाना बन गया है और बर्तन भी साफ़ हो गए हैं, स्लिप साफ़ करने के लिए रह गया था। और ज़्यादातर हम गर्मी में वीडियो शूट भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गर्मी हो रही है, इस वजह से रात को लेट से सो रहे हैं, थोड़ा सा सुबह देर से भी जग रहे हैं, क्योंकि रात को जरा लेट से सोते हैं तो फिर सुबह आँख थोड़ी खुल जाती है, लेकिन सुबह के टाइम पे ही लाइट आती है अच्छे से, तो बस हम लेटे रहते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए गैस को अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया, स्लेब को साफ़ कर देती हूँ। अब बस बाकी वह झाड़ू बचा है, झाड़ू भी लगा दूँगी। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छी है हमारी गैस, इतने हमें इतने दामों में मिली है ना, काफ़ी अच्छी मिली है। तो बस यहाँ पे हमारी गैस भी
साफ़ हो चुकी है, डिब्बे भी साफ़ कर दी, दो चार ऊपर जो ऊपर वाली स्लिप थी वो भी साफ़ कर दी। इसके बाद मैंने आटा मंगाया हुआ था, ये रात को ही मंगाया हुआ था लेकिन अभी डाला नहीं था इस ड्रम में। इसके उसको ना खोल के डाल देती हूँ क्योंकि रात को मैं पहले ही मंगा लेती हूँ, जैसे एक थोड़ा सा आटा रहेगा ना उससे पहले ही मंगा लेती हूँ ताकि ख़त्म ना हो पाए घर में से आटा। तो बस आटे को इस ड्रम में डाल देती हूँ अच्छी तरीके से, तो ये भी काम ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद लगा दूँगी झाड़ू, क्योंकि आटा थोड़ा सा ऐसा होता फैल भी जाता है इधर उधर, और इस वजह से ही ना चूहा काफ़ी हो जाते हैं। चूहों ने तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है हमको, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वैसे नुकसान क्या करते हैं, हमारा सोफ़ा ही बिगाड़ दिया उन्होंने, तो कुछ नहीं, बस इतने ज़्यादा हो गए कि हम उनके लिए दवा नहीं रखते हैं तो वो हमारी बिल्कुल नुकसान पे नुकसान किए जा रहे हैं। दवा नहीं रखते हम उनके लिए क्योंकि दवा रखना पाप पड़ता है जब चूहों को मारेंगे, तो इस वजह से हम उनके लिए ना दवा नहीं रखते हैं बिल्कुल भी। और घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो प्रेगनेंसी के हालत में अगर आप खुद को व्यस्त रखना है ना तो घर के कामों को ही करते रहना चाहिए, और थोड़ा सा अपना मन भी लगा रहता है ना, कुछ अलग बातें सोचेंगे ना, ज़्यादा परेशानी ना टेंशन आएगी। तो इस वजह से मैं धीरे धीरे काम जो भी मेरे पे होते हैं वो मैं अपना पूरा काम कर लेती हूँ, जैसे खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछा तक, जैसे कपड़े भी धोने हो बच्चों को भी देखना हो सारा मैनेज कर लेती हूँ मैं अभी इस टाइम पे। तो मेरी बहन बस जा रही है बाय करके सास को देखने के लिए, और मैं तो देख के आ ही चुकी थी, अब आज ये जा रही है, कल छुट्टी हो जाएगी सोमवार को उनकी, तो कल वो घर पर आ जाएंगी, बच्चों को नहीं भेजा है किसी को, क्योंकि हॉस्पिटल में क्या होता है फ्लू फैला रहता है, वैसे भी बीमारियां रहती हैं वहाँ पे, बच्चों को क्यों जाना। उसकी दादी तो कह रही थी लेकिन मैंने नहीं भेजा है किसी भी बच्चे को, तो बस झाड़ू कर दिया था। उसके बाद हम बैठेंगे यहाँ पे खाना खाने के लिए, तो आइए फ्रेंड खा लीजिए आप भी खाना, कड़ी है और रोटियाँ हैं यहाँ पर, बहुत सिंपल सा भोजन है आज। तो चलिए फ्रेंड टी वी देखते जा रहे हैं, भोजन भी करेंगे। हेलो गाइस, कैसे हो, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो घर का सारा काम हो चुका है, बस मैं खाना खाने के लिए बैठी रही थी। कढ़ी बनाई है मैंने आज और रोटियां, सिंपल सा भोजन है, गर्मी काफ़ी हो रही है इस वजह से मैंने सुबह के टाइम में बना लिया। मेरी बहन गई हुई है आज अपने मतलब सास को देखने, मेरी सासू माता को, सासू माँ को देखने के लिए गई हुई है, अभी उनकी छुट्टी कल होगी, मैं तो देख के आ चुकी थी। चलिए फ्रेंड छोटा सा वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, कल मिलती हूँ, बाय बाय।